नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल और स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य सफलता के चौखट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है परिवहन या ट्रांसपोर्ट। आपको बता दें, हमने एनसीईआरटी भूगोल की कक्षा 7 की एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसके अंतर्गत हमने तमाम सारे वीडियोज डाले हुए थे और पिछला जो वीडियो पढ़ा हुआ था चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत मानवीय पर्यावरण का पहला पार्ट, जिसमें हमने बस्तियों का अध्ययन किया था, इसी चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम आज परिवहन और संचार के बारे में बात करेंगे। परिवहन के अंतर्गत हम परिवहन के चार भेद करेंगे, सड़क, रेल, जल और वायु परिवहन, इनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले परिवहन संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उनको समझ लेते हैं। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं, यानी ऐसे साधन जिनके माध्यम से लोगों को, यानी हम लोगों को और सामान को, कोई सामान आपके पास पड़ा होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है जिन साधनों के द्वारा, उन साधनों को परिवहन के साधन या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। पुराने समय में लोग पैदल चलते थे, अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का इस्तेमाल करते थे। समय के साथ परिवर्तन हो रहा है और परिवहन के साधनों का विकास होता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ढेर सारे हो गए हैं। पहले हम पशुओं का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज नए नए तरीके के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको दिखाई देते हैं। लेकिन क्या पूरी तरह से पशुओं का इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया है? तो नहीं किया गया है। यहाँ से आपके लिए दो क्वेश्चन तैयार हैं। तो हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का इस्तेमाल किया जाता है और आप जानते हैं ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। कुछ अन्य देशों की बात करते हैं, हम दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका, इसके बारे में हमने आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत पढ़ाया था, बता भी दिया था कि लामा का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है सामान को ढोने के लिए। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चित्र है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत इन स्थानों में, इतने एरियाज में, एंडीज पर्वत श्रृंखला के आसपास के क्षेत्रों में लामा नामक पशु का इस्तेमाल, ये लामा नामक पशु है, उसका इस्तेमाल परिवहन के साधन के रूप में किया जाता है। ये ध्यान रखना है, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में अन्य जो परिवहन के साधन है वो उतना ज्यादा सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए वहां पर पशुओं का इस्तेमाल ही किया जाता है। इसी तरह से तिब्बत में याक का इस्तेमाल किया जाता है। ये तिब्बत आप जानते हैं कि भारत के ऊपर तिब्बत स्थित है और वहां पर याक, वाईफाई याक आपने पढ़ा होगा बचपन से ही, याक एक विशेष प्रकार की गाय होती है, इसका इस्तेमाल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। परिवहन के चार मुख्य साधनों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लामा के अलावा अल्पाका नामक एक जानवर भी प्रयोग किया जाता है दक्षिण अमेरिका के पास ही। लामा और अल्पाका में थोड़ा अंतर होता है, आप देख सकते हैं कि लामा के पैर किस तरह से हैं और अल्पाका के पैर किस तरह से हैं। लामा के चेहरे में थोड़ा सा देख सकते हैं बदलाव है, अल्पाका का चेहरे के ऊपर थोड़ा बाल आपको दिखाई देंगे। अल्पाका है, ऊपर आपको बाल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इसके बाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से होता है। और डिटेल से अगर हम देखें तो ये आपका लामा है, लामा का साइज थोड़ा बड़ा होता है, पैर आप देख लीजिए, चेहरा देख लीजिए, और अल्पाका का साइज थोड़ा छोटा होता है, ये भेड़ की तरह होता है, थोड़ा खच्चर की तरह होता है। तो इस तरह से इन लामा तथा अल्पाका, ये दोनों प्राणियों का इस्तेमाल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत पश्चिमी किनारे पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम इंडीज है, वहां पर इनका इस्तेमाल परिवहन के साधन के रूप में किया जाता है। सड़क परिवहन के अंतर्गत ऐसे परिवहन को रखा जाता है जो सड़क पर चलते हैं, इसके अंतर्गत आपकी गाड़ी है, बस है, ट्रक है, इस तरह की चीजों को रखा जाता है, ठीक है, ट्रैक्टर हो गए, ये चीजें रखी जाती हैं। और सड़कें भी दो प्रकार की होती हैं, कच्ची सड़कें होती हैं, पक्की सड़कें होती हैं, ठीक है। तो कच्ची सड़कें मुख्य रूप से गांव में आपको मिलती हैं, पक्की सड़कें आपको शहरों में देखने को मिलती हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या होती है? आवागमन को द्रुत करने के लिए, यानी बड़े जो शहर हैं उनके बीच में संपर्क को तीव्र बनाने के लिए एक योजना प्रारंभ की गई थी जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत चार महानगरों को जोड़ा गया है, ये दिल्ली हो गया आपका, ये मुंबई हो गया, और इधर आपका चेन्नई हो गया, और इधर आपका कोलकाता हो गया। इन चारों नगरों को आपस में जोड़ने की जो योजना है, इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। इसके अलावा एक और बात आपको बता दें यहीं पर कि स्वर्णिम त्रिभुज क्या है, गोल्डन ट्रायंगल क्या है, कोई आपसे पूछ ले स्वर्णिम त्रिभुज, तो दिल्ली और यहाँ पर आपको आगरा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको राजस्थान में जयपुर नगर एक मिलेगा, जयपुर, दिल्ली और आगरा, जयपुर, दिल्ली, आगरा, आप तीनों को जोड़ेंगे तो एक त्रिभुज का आकार बनेगा
और इसी को ही स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। अब जानते हैं कि भारत में जो पर्यटन है, तो पर्यटन इन तीनों नगरों में काफी ज्यादा है, पर्यटन की जो आवश्यक दशाएं हैं वो काफी ज्यादा है, आगरा में, जयपुर में और दिल्ली में। इस वजह से इन तीनों को जोड़ दिया गया है आपस में सड़क मार्ग के माध्यम से, और इस तरह से इसको कहा जाता है स्वर्णिम त्रिभुज या गोल्डन ट्राइंगल। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग कहते हैं, जबकि फ्लाईओवर उन्हें संरचना के ऊपर बनाए जाते हैं। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, कोई ऐसे करके रोड होती है, उस रोड के अगर आपको नीचे से निकलना है, जब नीचे से निकलना है इसको क्या कहा जाता है, सबवे कहा जाता है, भूमिगत मार्ग या सबवे या अंडरपाथ कहा जाता है। लेकिन जब आप इस महामार्ग के ऊपर से निकलना होगा आपको, यानी इसके ऐसे ऊपर से आपको पुल बना दिया जाए, ऊपर से निकल जाओ, इसको क्या कहा जाता है, फ्लाईओवर कहा जाता है। जब किसी सड़क के नीचे से आप घुस करके निकलोगे उसको सबवे कहा जाएगा या अंडरपाथ कहा जाएगा, जब किसी सड़क के ऊपर से आप ऐसे करके पुल बना दिया जाए, ऊपर से निकलोगे, इसको फ्लाईओवर कहा जाता है। तो ऊपर से तो फ्लाईओवर, नीचे से सबवे हो गया, तो इस रोड को क्या कहा जाएगा, जो ये रोड जा रहा था इस रोड को क्या कहा जाएगा, तो इस रोड को कहा जाएगा हाईवे। हाईवे आप जानते हैं, जो बड़े रास्ते होते हैं, बड़े रोड होते हैं, उनको हाईवे कहा जाता है। इसके अलावा एक फैक्ट और हम बात करते हैं, हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। हमारे देश में ही आप जाएंगे कि मनाली लेह राजमार्ग आपको मिलेगा, सबसे ऊंचा सड़क मार्ग में से एक भी है और सबसे खतरनाक सड़क मार्ग में से भी एक है। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर खतरा ही खतरा है, सड़क जगह जगह पर किस तरह से एकदम थोड़ा सा भी सावधानी घटी, हट गई सावधानी अगर, तो आप नीचे ही जाएंगे, तो खतरनाक भी है और सबसे ऊंचा है। सीधी सी बात है, ऊंचा तो खतरनाक होगा ही। किस तरह से यहाँ पर बर्फबारी भी पड़ती रहती है, जब बर्फबारी पड़ती रहती है तो रास्ता बंद भी हो जाता है और साधन जो है फंस भी जाते हैं। देखते हैं ये मार्ग मनाली से लेह तक जाता है, और मनाली से लेह तक कैसे जाता है इसको हम जूम करके थोड़ा सा देखते हैं। ये मनाली है, मनाली आप जानते हैं किस नगर में है, मनाली किस राज्य में है, मनाली मनाली आपका हिमाचल प्रदेश में है, और मनाली को जोड़ दिया जाता है इसके माध्यम से लेह से। ये लेह है, लेह शहर को यहाँ से रास्ता आएगा, ऐसे करके मनाली से जोड़ दिया जाता है। अब आ जाते हैं रेल मार्ग पर। रेल मार्ग में हम आपको बता दें कि रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन, भारी सामान को ढोने का काम होता है। रेलगाड़ी तीव्रता से सामान को आप पहुँचा देगी और सस्ते दामों पहुँचा देती है। वाष्प इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। आप जानते हैं कि वाष्प इंजन की खोज की जाती है, इसके बाद औद्योगिक क्रांति के बाद एक ऐसे साधन की हमें आवश्यकता थी जो तेजी से एक स्थान पर बनने वाले प्रोडक्ट को दूसरी जगह पर मार्केट पर पहुंचाए, तो इसलिए रेलवे का विकास काफी ज्यादा औद्योगिक क्रांति के कारण भी होता है। आप देखेंगे कि किस तरह से वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ है, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, आपको पता होगा, जेम्स वाट। ये जेम्स वाट के द्वारा बनाया गया एक वाष्प इंजन है, और इस इंजन के माध्यम से क्या किया जाता था, पंपिंग का काम किया जाता था। जैसे आप जनरेटर वगैरह देखते हो तो लाइट बनाते हैं, वो जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, या पंपिंग सेट देखते हो तो पंपिंग सेट क्या करता है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। उसी तरह का ये इंजन बनाया गया था जेम्स वाट के द्वारा, और इस इंजन को आगे चल करके डेवलप किया जाता है। यानी याद रखिए, कोई रेलगाड़ी नहीं थी, कोई ट्रेन नहीं थी, एक जगह इंजन रहता था और पंप करने का काम करता था, पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता था। बाद में इसी इंजन से प्रेरणा लेते हैं जॉर्ज स्टीफेंसन। ये जॉर्ज स्टीफेंसन का तस्वीर है, और जॉर्ज स्टीफेंसन इसी से इंजन से प्रेरणा लेकर के बाद में इसमें पहिया लगा करके इसको क्या बना देते हैं, रेलगाड़ी बना देते हैं। यानी रेल इंजन का आविष्कार कोई आपसे पूछे तो आपको जेम्स वाट नहीं बताना है, आपको जॉर्ज स्टीफेंसन बताना है। जॉर्ज स्टीफेंसन महोदय ने रेल इंजन का आविष्कार किया था। धीरे धीरे करके इनका रेल इंजन काफी प्रयासों के बाद ठीक ठाक हुआ, यानी प्रारंभ में बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ, ठीक ठाक हुआ, और लास्ट में इन्होंने अपने इंजन का नाम रखा रॉकेट। एक आपसे बात और बता दें कि कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे पहला रेल का ड्राइवर कौन था, तो आपको क्या बताना है, तो रिचर्ड ट्रेस्कोथी को बताना है। रिचर्ड ट्रेस्कोथिक नामक व्यक्ति ने हालांकि जॉर्ज स्टीफेंसन से पहले भी रेल का आविष्कार कर लिया था, लेकिन और रेल को चलाया भी उसने, लेकिन दुर्घटना स्वरूप उसकी जो रेल है वो टकरा जाती है एक बिल्डिंग से और वो रेल चूर चूर हो जाती है। यानी वो चला तो लिया था अपनी रेलगाड़ी,
लेकिन चलाने के बाद वो उसको रख नहीं पाया था संभाल करके, और वो उसकी जो रेलगाड़ी है वो नष्ट हो जाती। इस तरह से दुनिया का सबसे पहला जो ड्राइवर था रेलगाड़ी का वो रिचर्ड ट्रेस्कोथिक था, लेकिन सबसे पहला जिस व्यक्ति ने रेल का आविष्कार किया था वो जॉर्ज स्टीफेंसन का नाम आता है। अगर हम बात करें तो डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प इंजनों का स्थान ले लिया। आप जानेंगे कि धीरे धीरे वाष्प इंजन का जो है काम खत्म हो जाता है, बाद में डीजल इंजन आता है, और डीजल इंजन के बाद धीरे धीरे करके विद्युत इंजन ने स्थान ले लिया, और आप देखेंगे जगह जगह पर आज आपको इलेक्ट्रिक इंजन ही दिखाई देता है। ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपको बताना है। साइबेरिया नाम आ जाए ध्यान रखना कि साइबेरिया कहाँ पर है, रूस में ही साइबेरिया स्थित है, और रूस का वह हिस्सा जो एशिया में स्थित है उसको साइबेरिया कहा जाता है। साइबेरिया के अंतर्गत आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग है, सेंट पीटर्सबर्ग को लेनिनग्राड भी यहाँ पर कहा जाता है। यहाँ से रेलगाड़ी चलेगी और ये पहुंचेगी कहाँ तक, व्लाडिवोस्टक। ये दोनों शब्द आपको ध्यान रखना है, व्लाडिवोस्टक सेंट पीटर्सबर्ग। इनमें एक दो बातें और ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे मॉस्को है, मॉस्को जो है किसकी राजधानी है, रूस की राजधानी है। किस नदी के तट पर स्थित है, मस्कावा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर आपको एक झील दिखाई दे रही है जिसका नाम लेक बैकाल है, और आपको बता दें कि लेक बैकाल जो है पूरे दुनिया की सबसे गहरी झीलों में से एक है। शायद ये जो चित्र दिखाई दे रहा है शायद लेक बैकाल का ही होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लेक बैकाल के बगल से ये रेल जो गाड़ी की ट्रैक है उसका रास्ता जो है वो निकला हुआ है, शायद ये इसी झील का चित्र होना चाहिए। तो लेक बैकाल दुनिया की सबसे गहरी झील है, रूस में स्थित है। अगले नंबर पर हम बात करते हैं जलमार्ग या वाटरवेज की। वाटरवेज के अंतर्गत ऐसे यातायात को रखा जाता है, ऐसे परिवहन के साधनों को रखा जाता है जो पानी में चलते हैं। प्रारंभिक समय में परिवहन के जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग का सबसे सस्ता साधन होता था। आपको सबसे पहले बता दें कि सबसे पुराना जो साधन है, सबसे पहले जो जिस साधन की खोज की जाती है वो यही था। प्रारंभिक समय में इसका इस्तेमाल किया जाता था और सबसे सस्ता साधन है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अंतर्देशीय और समुद्री। इन दोनों प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे। अंतर्देशीय ऐसा जलमार्ग होता है जो किसी देश के अंदर ही रहता है, और समुद्री जलमार्ग जो देश से बाहर होता है। यहाँ पर दो फिल्मों के पोस्टर बने हुए हैं, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस मूवीज हैं हॉलीवुड की, तो इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि कैरिबियन सागर कहाँ पर स्थित है, ये आपको विश्व मानचित्र में ढूंढना है और याद रखना है कैरिबियन सागर कहाँ पर स्थित है। हमने आपको पिछले वीडियोज में इसके बारे में बताया भी था। इधर टाइटेनिक, जानते हैं कि टाइटेनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था जो डूब जाता है, और टाइटेनिक डूबता है अटलांटिक महासागर में। लेकिन इस के डूबने का जो समय है वो आपको ध्यान रखना है, सर्च करना है और कमेंट करना, हमें बताना है, और खुद को भी याद रखना है कि कब डूबा था, क्योंकि ये परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। अंतर्देशीय जलमार्ग के अंतर्गत नाव, नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। नाव नदियों का मतलब ये होता है कि ऐसी नदियां जिन पे नाव चलाई जा सकती हैं एवं झीलें, यानी हमारे देश में मान लीजिए कोई झीलें हैं, नदियां हैं, और वहां पे अगर नाव चलाई जा सकती है तो वहां पर हम एक क्या बना देंगे, जलमार्ग बना देंगे, अंतर्देशीय जलमार्ग उसको कहा जाएगा। तो दुनिया में कुछ फेमस जलमार्ग लिखे हुए हैं यहाँ पर। नंबर वन पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे भारत में अगर, तो पाएंगे कि ये हिस्सा ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ से आ रही है ऐसे करके ये, और ये नदी आपकी गंगा है ऐसे करके आ रही है ऐसे करके, ठीक है। तो इलाहाबाद के आसपास से प्रारंभ हो जाता है, जैसे NH होते हैं, नेशनल हाईवे होते हैं, उस तरह से NW1, NW2, NW3 इस तरह से होते हैं, नेशनल वाटरवे नंबर वन। इस तरह से ये नेशनल वाटरवे घोषित किया गया है। इलाहाबाद से लेकर के आपका जा रहा है, यहाँ से इलाहाबाद से प्रारंभ हो जाता है। आप देखते हैं कि गंगा और यमुना का संगम कहाँ पे होता है, इलाहाबाद में होता है। यहीं से प्रारंभ हो जाता है मार्ग, और ये जाते हुए यहाँ से हल्दिया तक जाता है, हल्दिया। इस तरह करके तमाम सारी चीज़ें हैं, हालांकि इनको डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है नेशनल वाटरवे नंबर वन जो है इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक जाता है। नेशनल वाटरवे नंबर टू जो है ये असम में, असम के आसपास के क्षेत्रों में सादिया से धुबरी पट्टी, अभी आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ तक जाता है। तो इस तरह करके अंतर्देशीय जलमार्ग होता है
अंतर्देशीय जलमार्ग के अंतर्गत किसी देश के अंदर बहने वाली नदियों को रखा जाता है, नदियों के अंतर्गत चीजों को रखा जाता है। दूसरा एक जलमार्ग है आपका नील नदी, ये आपका लेक विक्टोरिया है, विक्टोरिया झील से होकर कैसे ये मार्ग जा रहा है और ये आपके मेडिटेरेनियन सी में जाकर के गिर जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से इसका रास्ता बताया गया। विश्व के सबसे महानतम अगर जल मार्गों की बात करें, आंतरिक जल मार्गों की बात करें, उनमें से 5 महान झीलों के अंतर्गत आने वाला जो प्रदेश है वो आता है। इसमें से 5 झीलें हैं, ये सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, इरी, ओंटारियो, इन 5 महान झीलों। और इसके आगे आपको ये एक नदी तंत्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और इस नदी को सेंट लॉरेंस नदी कहा जाता है। इन झीलों को आपस में जोड़ दिया गया है और जोड़ करके यहाँ से जहाज जाते हैं और एक एक करके यहाँ से एक एक करके चीज़ों को लेते जाते हैं, सामान को ढोते जाते हैं, लाते जाते हैं और इन जगहों से धीरे धीरे करके सामान को बाहर कर दिया जाता है। न्यूयॉर्क आप देख रहे हैं, महाद्वीप से बाहर समुद्रों में जो रास्ते होते हैं, समुद्रों में जो रूट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? समुद्री मार्ग कहा जाता है। तो समुद्री मार्ग के बारे में कुछ आपको ध्यान रखना है। एशिया में कुछ पत्तन है, उनको ध्यान रखना है। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई कहाँ पर है, इनकी लोकेशन को क्लियर कर लेते हैं। जानते हैं यहाँ पर है मुंबई, और सिंगापुर आप जानते हैं सिंगापुर यहाँ पर है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, दक्षिण अमेरिका हमने आपको बताया था यहाँ पर कहीं पर रियो डी जेनेरियो आपको मिल जाएगा। उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स मिल जाएगा आपको। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यहाँ पर है। लॉस एंजल्स कहाँ पर है आपको? यहाँ पर मिल जाएगा। अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ये आपको डरबन दिखाई दे रहा है, डरबन के आसपास ही केप टाउन आपको मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, पूर्वी किनारे पर आपको यहीं पर कहीं पर सिडनी मिल जाएगा। और यूरोप में लंदन आप जानते हैं, लंदन यूरोप में कहाँ पर है? ठीक है, यहाँ पर आपको लंदन कहीं पर मिल जाएगा। अगला हमारा प्रकार है वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन सबसे तीव्र मार्ग है परिवहन का। 20वीं सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट किया गया है। कैसे डेवलपमेंट किया गया अभी हम बात करेंगे। और आप जानते हैं कि परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है, सबसे तेजी से इसके माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। ईंधन की लागत इसकी अधिक होती है, इसका जो ईंधन होता है महंगा होता है, इस वजह से यह काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, यानी इस ट्रांसपोर्ट का सबसे महंगा साधन है। यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों पर पहुँच सकता है। जहाँ पर सड़क व रेल मार्ग नहीं है वहाँ पर इसके माध्यम से हम पहुँच सकते हैं। आप देखेंगे कि हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े, दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। जहाँ जहाँ पर भी कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, कोई समस्या हो जाती है, भूकंप आ जाता है, ऐसी दशाओं में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके वहाँ पर पहुँचा जाता है और लोगों को बचाया जाता है। कुछ प्रमुख हवाई पत्तनों के नाम लिखे हुए हैं, इनमें से दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क सब जानते हैं, लंदन, पेरिस जानते ही हैं, फ्रांस में है, काहिरा मिस्र में है। फ्रैंक पल्ट को आपको सर्च करना है और कमेंट करके हमें बताना है। कि बात कर लेते हैं कि वायुयान की खोज किसने की थी। ऑर्विल राइट तथा विल्बर राइट, दोनों भाइयों का नाम है ऑर्विल राइट तथा विल्बर राइट। इन्होंने 1903 में सबसे पहले वायुयान की खोज की थी। ये उनका वायुयान है, वायुयान में बैठे होने का तस्वीर है उनका। पर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि वायुयान का सबसे पहली बार स्केच, सबसे पहली बार उसका जो डिजाइन है वो किस व्यक्ति ने बनाया था, तो आप क्या जवाब देंगे? चलिए हम आपको बताते हैं। वायुयान का सबसे पहला जो डिजाइन है वो लियोनार्डो द विंची महोदय ने तैयार किया था। ये लियोनार्डो द विंची है। लियोनार्डो द विंची कौन है? लियोनार्डो द विंची इटली के एक प्रसिद्ध चित्रकार है जो पूरी दुनिया में अपनी चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने जो डिजाइन तैयार किया था वो इस तरह का था। हालांकि इन्होंने कई डिजाइन तैयार किए थे एरोप्लेन के, उनमें से एक ये डिजाइन है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, साथ लोअर पीसेस में क्वेश्चन पूछा गया है, लोअर पीसेस में या तो फिर आरओ में, दो में से किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा इनके दो फेमस कार्य और भी हैं। ये तस्वीर है मोनालिसा की, इस तस्वीर को भी इन्होंने बनाया था। और एक तस्वीर है द लास्ट सफर इसको कहा जाता है, ये तस्वीर भी इन्होंने ही बनाई थी। एक बात और ध्यान रखें, राइट ब्रदर्स से पहले हमारे देश में एरोप्लेन का निर्माण कर लिया जाता है। इनका नाम है शिवकर बापूजी तलपड़े और इन्होंने सुब्राया शास्त्री का चित्र है इनकी मदद से, यानी सुब्राया शास्त्री के निर्देशन में। ये बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, वेद पुराणों को उन्होंने पढ़ा हुआ था और वहाँ पर जितने भी शास्त्रों में जितना भी वर्णन किया गया था इन विमानों के बारे में उनका अध्ययन करके इन्होंने गाइड किया था इनको। और शिवकर बापूजी तलपड़े ने
इन्हीं के निर्देशन में 1895 में, 8 साल पहले राइट ब्रदर्स जब बनाए थे उससे 8 साल पहले इन्होंने वायुयान का निर्माण कर दिया था और उस वायुयान को उड़ाया भी गया था। इन्हीं की जीवन पर आधारित, इसी घटना पर आधारित एक मूवी बनाई गई थी हवाई ज्यादा। आयुष्मान खुराना इसमें अभिनय किया था और ये मूवी सन 2015 में आई हुई थी। हमारा अगला टॉपिक है इस चैप्टर का कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंतर्गत संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया, यानी जब हम अपनी जानकारी को किसी दूसरे तक पहुंचा देते हैं उसी को सूचना कहा जाता है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया। आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का लगातार विकास हुआ और हमने नए नए और तीव्र साधनों का विकास कर लिया है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई। सूचना क्रांति क्या होती है इसको समझ लीजिए। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, आप ध्यान दें, आज से 30 साल पहले आपके घर में जो भी संचार होता था, कहीं पर भी आपको कुछ जानकारी देनी होती थी तो आप चिट्ठी का इस्तेमाल करते थे, यानी चिट्ठी लिख करके चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते थे, लोगों को सूचित करते थे। हालांकि उससे पहले टेलीफोन का आविष्कार हो चुका था लेकिन वो ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ था। लेकिन पिछले 30 सालों में आप देखेंगे, यानी 30 साल से पहले, 1000 साल, 2000 साल पहले भी इसी साधन का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, 2000 साल पहले भी, और 30 साल पहले तक भी उसी साधन का इस्तेमाल किया जाता था, चिट्ठी लिख करके लोगों के द्वारा अपनी सूचना एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जाती थी। लेकिन आपने पिछले 30 सालों में देखा कि अचानक तेजी से चिट्ठी के बाद तुरंत टेलीफोन आया, टेलीफोन के बाद तुरंत मोबाइल फोन आया कीपैड वाला, और कीपैड के बाद आपका स्मार्टफोन आ गया, और आज आप 30 साल पहले जो चिट्ठी लिखते थे आज 30 साल के अंदर ही अंदर आप तेजी से क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, यानी लाइव एक दूसरे को देख सकते हैं इस पार से उस पार। यानी आज से 2000 साल पहले वही चीज चल रही थी, 30 साल पहले भी वही चीज चल रही थी, इन सालों में, इन 2000 सालों के बीच में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया, बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। लेकिन 30 सालों के अंदर अचानक से एकदम तेजी से एकदम बदलाव हो गया कि हम एकदम कहां से कहां पहुंच गए, यानी चिट्ठी से लेकर के व्हाट्सएप कॉल तक पहुंच गए 30 साल के अंदर। इसी तेजी से हुए बदलाव को ही सूचना क्रांति कहा जाता है। क्रांति का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज बहुत तेजी से परिवर्तित हो जाती है उसी को क्रांति कहा जाता है। तो सूचना के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत तेजी से क्रांति है, बहुत तेजी से बदलाव हुआ पिछले 20-30 सालों में, इसलिए इसको सूचना क्रांति कहा जाता है। इस शब्द को आपको ध्यान रखना है। मास मीडिया क्या होता है यह भी आपको ध्यान रखना है। जनसंपर्क माध्यम, इंग्लिश में मास मीडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा बड़ी मात्रा में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, यानी हमने कोई चीज लिख दी और लिखने के बाद वो मोबाइल में या फेसबुक में हमने डाल दी, मान लीजिए, या न्यूज में हमने कोई चीज पढ़ के सुनाई, और वो चीज हमारे द्वारा, एक लोग के द्वारा कही गई चीज को लाखों लोग देख लें एक बार में, इस तरह से बड़ी संख्या में जब लोग जुड़ेंगे उस चीज को ही जनसंपर्क माध्यम या मास मीडिया कहा जाता है। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई, जब से सैटेलाइट हमने इस तरह लगाया है पृथ्वी के बाहर तो हमारे संचार में तीव्रता आई है। अगर आपको तेल की खोज करना हो, हमारी पृथ्वी के नीचे कहाँ पर तेल है, तो भी सैटेलाइट ही काम करता है, खोज के बता देता है कि कहाँ पर तेल है, यहाँ पर तेल है कि नहीं है। वनों का सर्वेक्षण करना है, कहाँ पर जंगल है, कहाँ पर जंगल नहीं, कितने परसेंट जंगल खत्म हो गए पिछले 10 सालों में, कितने परसेंट बढ़े, इन चीज़ों का सर्वेक्षण करना हो। भूमिगत जल, यानी आपकी जमीन के नीचे पानी है कि नहीं, कितना पानी है। खनिज संपन्नता, यानी कितना जमीन आपके नीचे जो है खनिज संपन्न है कि नहीं। मौसम पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग, यानी किस तरह से आपके यहाँ बारिश होगी कल कि नहीं होगी। आप न्यूज में अक्सर देखते होंगे कि कल जो है बारिश होने की संभावना है, धूप रहेगी, क्या रहेगी, ये सब पूर्वानुमान जो होते हैं वो इन्हीं द्वारा किए जाते हैं। आपदा पूर्व चेतावनी, यानी कहीं पर आपके यहाँ आना है, तूफान आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो इस तरह की चीज़ों की सूचना हमको सैटेलाइट के द्वारा ही दी जाती है। इन सारे कामों में सैटेलाइट हमारे काम आता है। आप जानते हैं कि सैटेलाइट के माध्यम से ही हम मोबाइल, रेडियो, टेलीफोन, ये जो भी चला पाते हैं वो सब सैटेलाइट के माध्यम से ही चला पाते हैं। टेलीफोन का जो आविष्कार किया था सबसे पहली बार, वो किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था, और ये ग्राहम बेल के द्वारा बनाए गए टेलीफोन है। इस तरह से वो एक तरफ बोलते थे और दूसरी तरफ कान में लगा करके उस चीज़ों को सुनते थे। ये बाद में उन्होंने अपने टेलीफोन को और डेवलप किया था। ये बाद की तस्वीर है, उनकी पहले की तस्वीर है। तो टेलीफोन का आविष्कार जो किया था उस व्यक्ति का नाम आप जान गए हैं, ग्राहम बेल है। टेलीफोन के बाद मोबाइल का आविष्कार किया जाता है, और ये व्यक्ति हैं जिन्होंने मोबाइल का आविष्कार किया था, इनका नाम है मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर के द्वारा बनाया गया ये
दुनिया का पहला मोबाइल का चित्र है, किस तरह से कितना मोटा होता था। और मार्टिन कूपर को आपको ध्यान रखना कि मार्टिन कूपर ने सबसे पहले जो बनाया था मोबाइल वो मोटोरोला कंपनी के लिए बनाया था। तो पहली कंपनी जिसने मोबाइल का निर्माण किया था वो मोटोरोला कंपनी थी, हालांकि अब ज़्यादा चर्चित नहीं है ये कंपनी। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अपने अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 लेकर आएंगे NCERT कक्षा 7 के भूगोल का, जिसमें हम उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश का अध्ययन करेंगे। उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत हम अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले जीवन का अध्ययन करेंगे एवं उपोष्ण प्रदेश के अंतर्गत हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन का अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो पहला वीडियो हमारा होगा वो अमेजन बेसिन में जीवन को लेकर के होगा, इसको देखना ना भूलें। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को लेकर के हमारा इसका अगला वीडियो बनेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।